नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे दक्षिण भारत के एक बेहद ही खूबसूरत राज्य आंध्र प्रदेश के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। ये राज्य अपने समुद्री किनारों, ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक मंदिरों और प्राकृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ घूमने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं आंध्र प्रदेश के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस को। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में घूमने के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है विशाखापट्टनम, जो कि बेहद ही खूबसूरत शहर है। ये शहर अपने समुद्र तटों, गुफाओं, घाटियों, झीलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग कहा जाने वाला विशाखापट्टनम का एक नाम विजाग भी है। विशाखापट्टनम आने वाले ज्यादातर पर्यटक इसके बीचेस पे जाना बिल्कुल नहीं भूलते। यहाँ पर कई सारे खूबसूरत बीचेस हैं जहाँ आपको हर समय लोग मौज मस्ती करते नजर आ जाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तिरुपति बालाजी। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है, इसलिए यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। तिरुपति का ये मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर को भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। विजयवाड़ा शहर अपने स्वादिष्ट आम, मिठाइयों और शांत मौसम के लिए जाना जाता है। विजयवाड़ा के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं कोंडापल्ली फोर्ट, गुफाएं, खूबसूरत मूर्तियां, कनक दुर्ग मंदिर और गांधी पार्क। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नेल्लौर। नेल्लौर आंध्र प्रदेश के ऐसे स्थानों में शामिल है जो कि ऐतिहासिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये जगह धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न है। यहाँ का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर इस शहर का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा यहाँ कई प्राकृतिक स्थल और झीलें भी हैं। यहाँ का मौसम गर्म रहता है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे सही समय सर्दियों का रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है चित्तूर। आंध्र प्रदेश का चित्तूर सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है। चित्तूर पर्यटक स्थल यहाँ के आध्यात्मिक, धार्मिक और कलात्मक मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य और यहाँ की वास्तुकला को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप घूम सकते हैं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागलपुरम, कैलाशकोंडा वाटरफॉल और तालाकोना वाटरफॉल। इसके बाद अगले स्थान पर आता है अनंतपुर। अनंतपुर आंध्र प्रदेश का एक धार्मिक स्थल है जो कि अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अनंतपुर में कई आकर्षण मंदिर हैं जहां हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अनंतपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं तदीपत्री मंदिर, गुप्ताकाल, हिंदूपुरा और लेपाक्सी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कुरनूल। कुरनूल आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है और तीर्थ स्थल भी। यहाँ पर कई सारे हिंदू धार्मिक स्थान और प्राचीन इमारतें हैं, इसी कारण से ये शहर प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप विजयनगर राजाओं द्वारा मध्ययुगीन काल में बनवाए गए किलों के खंडर आज भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोंडा रेडी बुर्ज और अब्दुल वहाब का मकबरा भी देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं पेटा अजान्य स्वामी मंदिर, नागारेश्वर स्वामी मंदिर, वेणुगोपाल स्वामी मंदिर और शिरडी साईं मंदिर। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कडपा। आंध्र प्रदेश में घूमे जाने वाले स्थानों में शामिल कडपा पर्यटकों को काफी ज्यादा पसंद आता है। कडपा अपनी शानदार वास्तुकला और पालकोंडा पहाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आज भी प्राचीन संरचनाओं को देखा जा सकता है। यहाँ घूमने के कुछ प्रमुख स्थान हैं गांडीकोटा का किला, बेलम गुफा, सिद्धौंत किला, पुष्पगिरी और वेंकटेश्वरा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद अगले स्थान पर आता है श्रीकालाहस्ती। श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है और अपने गुडीमल्लम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। श्रीकालाहस्ती दक्षिण भारत में भगवान भोलेनाथ के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। श्रीकालाहस्ती भगवान शिव के पंचभूतों में से भी एक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
इसके बाद अगले स्थान पर आता है अरकू वैली। अरकू वैली आंध्र प्रदेश का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है जो कि विशाखापट्टनम से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हिल स्टेशन ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, पार्क और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं कातिका वाटरफॉल, अनंतगिरी हिल्स, ट्राइबल म्यूजियम, टाइडा पार्क, सांगड़ा झरना और बोरा केव्स। ये यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। तो यह है आंध्र प्रदेश के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। आपको इनमें से कौन सा पसंद है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।